बिल्कुल आखिर में नंबर आया हुआ है, आखिर की सीट मिली है बिल्कुल। इसके बाद लाइनें ख़त्म, आपका भाई सेकंड लास्ट लाइन में बैठा हुआ। और डॉक्टर साहब दो दिन के बाद आई हैं तो क्लिनिक पे इंतहा का कोई रश लगा हुआ है। 14 अगस्त कैसे मनाई आपने? फरमा के गए जब तक बाजा नहीं बजा हुआ 14 अगस्त का मजा नहीं आया। गली का भाई तरह पैसे गंदे में थे हमारे। काम करो, बॉडीगार्ड बुलाओ और बैंक की गाड़ी बुलाओ, मैं कैसे जाऊँगा। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। सुबह से 6:30 बजे से व्लॉग शुरू कर रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि जारी बात है आपको पता है छुट्टियाँ ख़त्म, 3 दिन की छुट्टियाँ हुई भी थी, तो वो 3 दिन की छुट्टियों में हमने खूब घूमा फिरा, इंजॉय किया, मज़े किए और सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करी गाइस। तो आज से अहमद के स्कूल भी स्टार्ट हुआ है, मैं दिखाता हूँ। अहमद साहब उठ चुके हैं और अहमद साहब तैयार हो भी चुके होंगे मेरा ख्याल से, आई थिंक सो। अहमद साहब गुड मॉर्निंग। नहीं बैठे हैं, जारी बात है भाई, सुबह सुबह बोलने का दिल भी नहीं चाहता लेकिन जारी बात है हमारी तो मजबूरी है बोलना, क्योंकि हम ब्लॉगर हैं भाई, ब्लॉगर जिसको ना लोग कोई सब्सक्राइब कर रहा है और ना कोई वॉच कर रहा है भाई। तो एनीवेज अल्लाह ताला ने छोटा मोटा काम दिया हुआ है तो वो कर रहे हैं, हम लोग उसे रिक्वेस्ट करेंगे दोबारा से भाई सब्सक्राइब कर लें और व्यू कर लें, थैंक यू सो मच। अभी जा रहे हैं अहमद को छोड़ने के लिए, नाश्ता लेते हुए अपने लिए आऊँगा जो मैं लेकर आता हूँ खारे बिस्किट जो बड़े लेवल के होते हैं। तभी चलते हैं अहमद को छोड़ने और फिर मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर के बाद। इस अहमद साहब का लंच और वाटर बॉटल तैयार हो गई है, देख सकते हैं वाटर बॉटल, अहमद साहब की ठंडा यख पानी और टिफिन। टिफिन में क्या दिया है आज? नगेट्स और एप्पल। अहमद भाई लेके जा रहे हैं भाई, जो खाते नहीं है जैसा जाता है वैसे ही वापस आ जाता है, झूठ बोलते हैं मैंने खा लिया है, जब टिफिन खोलो तो इतना सा नगेट्स और इतना सा सेब खाया हुआ होता है। और अपने गाइस को भी बताया भाई खाता क्यों नहीं है, ये लंच लेके जाते हो हैं आज क्यों खा कर आओगे, आज तो खाओगे तो बताओ खाते क्यों नहीं हो। परसों भी पता बड़े शौक से ले गया बर्गर बंद में लेकर आया, तुम्हारे कहने पर तुमने कहा बर्गर बंद लेकर आइएगा, मैं बंद लेकर आया आधा, तुमने इतना सा बाइट मारा और छोड़ दिया पूरा बर्गर, ऐसी का ऐसी पड़ा हुआ था, समझ आई? यार झूठ बोलने की जरूरत नहीं, टिफिन हमने खोला था, अब मुझसे बोल लो कि वहाँ मैंने खा लिया, चल झूठा लायर। अरे तो दो निवाले खाए तो ये दो निवाले खाए हुए होते हैं, दो निवाले सिर्फ बन के नगेट्स ऐसे के ऐसे पड़ा हुआ था मेरे भाई, समझ आई? खा लेना आज पूरा, ठीक है। अहमद के स्कूल के जाने का टाइम हो गया है भाई, 7:10 हो रहे हैं, दम करके फूक दिया अहमद की माँ ने। और अहमद साहब ये पढ़े लोहे कुराने देखें और बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अज़ीम पढ़ें। क्यों बताओ आज अहमद के लिए सैड डे, वजह तो बताओ? वजह नहीं बता रहा, बता के निकल जाता है। बाबली में जा रहा हूँ अहमद को छोड़ने और कौवा मेरे साथ ब्लॉगिंग करने को तैयार हो चुका है। सही है जा रहे हम लोग, सही। तो भाई मोबाइल लेके जा रहा हूँ, तो जाहिर बात है मोबाइल लेके जा रहा हूँ तो वो दुआ लाजमी पढ़ के निकलता हूँ, जिसमें लड़ाई बजा लगा भाई ने एडियन सद्दम कल से सद्दी कल से नाम वहाँ हमला जीत के रूम। चलो आ जाओ, रुक जाओ बेटा रुक जाओ, हटो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर अहमद को छोड़ दिया स्कूल में भाई और मैं आ गया नाश्ता लेने के लिए, जिस बेकरी से मैं खारे बिस्कुट लेता हूँ बेकरी में आ गया। यार ये खारे बिस्कुट देना मुझे, मिक्स दे देना खारे, तो ये वाले जो है ना ये मीठे वाले जो ना दो तीन डाल देना, बहुत बड़े वाले है ना, ये वाले, ये बड़े वाले नहीं, ये वाले, ये वाले 150 रुपये दे दो भाई। यहाँ लेता हूँ मैं खारे बिस्किट, और बड़े लेवल के खारे होते हैं आगे तो वायरल वाइज। अभी लेते हैं यहाँ से नाश्ता और फिर चलते हैं घर, खाते हैं खा रहे और फिर सोते हैं, यही है भाई से। और तकरीबन 10-12 बजे उठेंगे, दर्शन पे चले जाएंगे, फिर अहमद के लिए घर आ जाऊँगा तकरीबन 1 बजे। A few moments later घर पर आ गया हूँ भाई नाश्ता लेके, और करते हैं अभी नाश्ता, और फिर पहले से खोलते हैं दरवाज़ा ताकि अंदर तो घुसे लाइए। अस्सलाम वालेकुम, लाइट बंद है, अच्छी बात है, बिल बहुत ज़्यादा आता है। आपका भाई कर रहा है नाश्ता, जो खारे बिस्किट मैंने आपको दिखाए और बेकरी भी दिखाई आपको मैंने, मैं कौन सी बेकरी से लेकर आया हूँ ये देख सकते हैं। ये तो देखें, ये जो है ना गोल वाले और ये जो है चकोर वाले, ये तो खा रहे हैं, लेकिन ये वाले जो है ना, ये इसके ऊपर ये एक लेयर लगी हुई है जो मीठा यानी पिसवा खोपरा जो है ना पूरे खोपरे की लेयर, ये मीठे खा रहे हैं, ये इतने लेवल के होते हैं ना यार, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। दो तो मैं लाजमी लाता हूँ अपने लिए और खिलाए के लिए। तो गाइस पहले करते हैं भाई नाश्ता और फिर मिलते हैं आप लोगों से 2 से 3 घंटे के बाद। अहमद को लेने जा रहा हूँ स्कूल, यार छुट्टी का टाइम होने वाला है स्कूल की, तकरीबन 10 मिनट रह गए
और 10 मिनट में मुझे स्कूल पहुंचना है। बाहर से आवाज़ें आ रही हैं बाजों की, बराबर से आ रही हैं ड्रिल मशीन की, तो इतनी आवाज़ें इतनी डिस्ट्रॉक्शन होती है जिसकी हद नहीं है यार। तो एनीवेज गाइस चलते हैं अहमद को लेने के, आते हैं अहमद को लेके, अहमद साहब से पूछेंगे आज का दिन कैसा रहा, क्योंकि 3 दिन के बाद वो स्कूल गया है अहमद भाई। तो आइए चलते हैं अहमद को लेने स्कूल। छुट्टी तकरीबन हो गई होगी अहमद की, अहमद को लेते हैं। स्कूल आ गया भाई, बिल्कुल आखिर में नंबर आया हुआ है, आखिर की सीट मिली है। बिल्कुल दिखाता हूँ मैं आपको, कितनी लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है और मेरा बिल्कुल आखिर में नंबर है। लेकिन ये 10 मिनट में फारिग हो जाऊँगा बिल्कुल, इसके बाद लाइनें ख़त्म। आपका भाई सेकंड लास्ट लाइन में बैठा हुआ अहमद को हमने स्कूल से ले लिया है भाई। अहमद साहब सलाम तो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये चलते हैं घर पे और मिलते हैं आप लोगों से घर पे। अहमद साहब हैप्पी हैप्पी टैप्पी। A few moments later. Assalamu alaikum guys. Guys, मैं बाबा पराठे ले रहे हैं और आवे जल्दी से तू ऊपर जा, चाबी से गेट खोलो और फिर देखो क्या एंगल चेक कर। ये गाइस ये मैजिक और गाइस देख लीजिए कितना अच्छा खड़ा है हमारा। देखो बाबा खड़े हैं। अगर चलते हैं अंदर, देखें गाइस लाइटें ज़रूरी हैं, लाइटें नहीं खोलेंगे तो व्लॉग भी नहीं बनेगा, है ना गाइस। ये बोल रहा हूँ गाइस देख लीजिए सब सही है हमारे घर में। तो गाइस अब बाबा जब आएंगे तो फिर मिलते हैं। तो इधर वेलकम बैक गाइस। गाइस अहमद साहब ने घर स्कूल से आके भाई नाश्ता वाश्ता कर लिया और मैंने भी अहमद के साथ नाश्ता कर लिया है भाई। और अभी टाइम हो रहा है मेरी जोहर की नमाज का, तो गाइस मैं पढ़ूंगा पहले नमाज और फिर मुझे जाना है अपने ऑफिस से काम से डॉक्टर के पास पैसे लेने के लिए, जो देती नहीं है वो। तो एनी वेज गाइस पहले पढ़ते हैं जोहर की नमाज, उसके बाद मैं बात करते हैं आप लोगों से। ये देखिए बैठे हुए और अपना पबजी खेल रहे हैं। क्या खेल लो? GTA 5 खेल रहे हैं भाई। तो हम पढ़ते हैं पहले नमाज यार। तो गाइस अपने डॉक्टर क्लिनिक पर आ गया हूँ भाई और शेख भाई के मेडिकल स्टोर के अंदर खड़ा हुआ हूँ इस वक्त। अपनी दवाओं का हिसाब किताब हो रहा है। हमारे शेख भाई आज खुद बीमार हुए हैं भाई, तो दवाइयाँ देने आया हूँ भाई। डॉक्टर साहब को बुलाया था इन्होंने भाई, ख़त्म हो गई दवाइयाँ लेकर आ जाओ। और डॉक्टर साहब 2 दिन के बाद आई हैं तो क्लिनिक पर इंतहा का कोई रश लगा हुआ भाई। हम भी बैठे हैं बातें शाते करेंगे, पैसे ऐसे गिनेंगे अगर हो गए तो, नहीं तो फिर घर चले जाएंगे खामोशी से। ऐसे ही हो गए हैं के मुंह पे जो मुस्कुराहट आती है ना, ये बड़ी खतरनाक है। तो शोएब भाई शाह भाई 14 अगस्त कैसे मनाएं आप? 14 अगस्त तो घर में गुजरी है। घर में तुम्हारा बाजू ने दिमाग खराब कर दिया। किसने? बाजे। बाजे ने? हाँ तो बाजे तुम ही बेच रहे हो। जब तक बाजा नहीं बजाओगे 14 अगस्त का मजा नहीं आएगा। तो भाई शाह भाई को भाई बाजे ने परेशान कर दिया था। और ये देखो कैलकुलेटर में उंगलियां चेक करें भाई की कैसे हिसाब किताब में चलती है। मस्त हो के भाई भाई 4,000 रुपए भाई से 4,000 रुपए दे दिए। 4,000 50 रुपए बॉडी गार्ड बुलाओ और बैंक की गाड़ी बुलाओ, मैं कैसे जाऊंगा? 4,050 रुपए भी निकले, 50 रुपए भी निकले भाई। सलामी में मिलते हैं 50 रुपए भाई। भाई कह रहे इससे सलामी में मिलते हैं मुंह दिखाई में। ये भाई 5,000 रुपए मिलते हैं 10,000 रुपए। One eternity later. Welcome back guys. तो भाई आ गया हूँ मैं घर पे अपने। गए अहमद गया ट्यूशन? अरे भाई अहमद साहब चले गए ट्यूशन में तकरीबन 2.5-3 घंटे के बाद आ रहा हूँ बाहर से भाई काम वाम करने के बाद। असल में मेरे मोबाइल के ना प्रोटेक्टर भी टूट गया था भाई। अच्छा चटक गया था उसमें लाइन आ गई थी, तो मैंने बोला यार हाथों हाथ प्रोटेक्टर भी चेंज करवा लो। तो इस चक्कर में और देर हो गई भाई, आईफोन का अपना प्रोटेक्टर भी लगा कर आए हूँ, एक दो काम थे वो भी कर आके फारिग करके मैं आया हूँ। दिखाओ कहाँ से लाए ये है, ये क्या है? इधर तो आओ। इधर 2,000 years later. ओ वेलकम बैक गाइस। यार काफी देर के बाद मैं घर पे आया हूँ यार। बाहर के और ऑफिस के वर्किंग के इतने काम थे आज तो बिल्कुल ही मुझे टाइम नहीं मिला व्लॉग शूट करने का यार। थोड़ा 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 करके मैंने पता नहीं कितनी मुश्किल से व्लॉग शूट किया है। तो एनीवेज गाइस अभी बाहर से भाई मैं आ रहा था तो मेरा दिल कर रहा भाई हलीम रोटी खाने का, तो भाई मैंने जल्दी से गया भाई हुसैनाबाद और मैंने पकड़ा हलीम और तंदूर की रोटियां। मैंने हेरा से बोला यार आज हम लोग हलीम रोटी खाते हैं भाई। तो खाना वाना तो खैर घर पे बना हुआ था लेकिन दिल तो चाहे ना इंसान वो खाए भाई पहले। तो ये बड़ी अच्छी बात कही यार।
आपकी सारी बात ये। तो गाइस आपका भाई लेकर आ गया, देखें हलीम रोटी और अहमद साहब खा के सो चुके हैं क्योंकि उनको सुबह स्कूल जाना है, आज वो दोपहर में सोया भी नहीं है। तो अभी मैं और हीरा कर रहे हैं मिड नाइट डिनर, डिनर कर रहे हैं, कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं। और आपका भाई सेवन अप की बोतल भी एक साथ लाया था क्योंकि हलीम और तंदूर की रोटी हजम होने मसला करती है ना थोड़ा। तो भैया आप खाते हैं और मसाला देखें यार क्या बात है मसाले की भाई। अच्छा पर्सनली मुझे भाई हलीम रोटी बहुत पसंद है। अच्छा पहले मैं नहीं खाता था हलीम, लेकिन जब से मैंने एक दो दफ़ा खाया ना मुझे ऐसा मुंह को लगा यार बस दिल जाता है हलीम मिले और खाए बंदा चम्मच से मसाला और कड़क वाली तली प्याज डाल के उसमें खाओ ना ओए मज़ा आ रहा है। तो एनीवेज गाइस ठंडा हो रहा है हलीम, मैं खा लूँ पहले फिर आप लोगों से बात करता हूँ। हाँ जी गाइस खाना वाना मैंने खा लिया है भाई, हर दिन टाइम ही नहीं मिल पाता है गाइस। ये जो मैं आपको रूटीन दिखा रहा हूँ ना आज के व्लॉग में, ये मेरी डेली की रूटीन है कि मैं ये सारा दिन ये रोज़ाना हमारा काम होता है ये मैं करता हूँ भाई। मैं शेयर ही नहीं करता हूँ आप लोगों से कि व्लॉग में हर चीज़ में ना दिखा सकता हूँ। बात तो सही है। तो जाहिर बात है आपको पता है हालात भारत में ख़राब है, मोबाइल ले जाने में इतनी प्रॉब्लम होती है, डर लगता है कि भाई अल्लाह ना करे मसले ना हो जाए। तो सिलेक्टेड जगह में मोबाइल लेके जाता हूँ जहाँ मैं वीडियो में शूट कर सकूँ वहाँ करता हूँ। तो यार आज का सारा दिन इतना मेरा बिजी गुजरा है, ऑफिस से काम में कुछ घर के काम, लेकिन ज़्यादातर बाहर के ऑफिस से काम थे क्योंकि वर्किंग डे आज स्टार्ट हुआ था ना यार, पैसे कलेक्ट करने ये करना वो करना तो बहुत सारी चीज़ें करनी थी आज। और फिर जब मैं घर आया तो इतना थक गया इसकी कोई हद नहीं। फिर एक सबसे बड़ा काम होता है वीडियो बनाना, वीडियो को अपलोड करना, कम से कम यकीन माने कसम से 1.5 घंटा लगता है वीडियो अपलोड होने में यूट्यूब के ऊपर। जब वीडियो अपलोड हो जाती है ना फिर सब मिलता है कि अल्लाह का शुक्र है ये सबसे बड़ा काम हमारा हो गया। यार बात है मेहनत करते हैं हम लोग यार, सुबह से रात तक वीडियो शूट करना फिर रात को एडिट करना बड़ी मेहनत होती है यार। आप लोग माशाल्लाह सुकून से देख लेते हैं फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो भाई पहले सब्सक्राइब कर लिया करें यार वकास और ऑफिशियल 2.0M को भाई, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहा है आपका भाई और आपकी बहन एडिटिंग करती है यार, ऐसी बात नहीं है। तो गाइस भाई यही था आज का मेरा ब्लॉग और डेली ब्लॉग है यार, डेली ब्लॉग तो ये होते हैं कि सुबह से रात तक आप जो कर रहे हो वो शूट करो और आप लोगों को दिखा दो कि भाई हम क्या करते हैं डेली ब्लॉग में। बहरहाल कल कोशिश करेंगे एक अच्छा एंटरटेनिंग ब्लॉग आपको दें, कुछ सोचा हुआ है कल शेयर करेंगे गाइस। बहरहाल इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रहा हूँ, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो मिलता हूँ कल एक बेहतरीन से ब्लॉग के साथ, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।